हमने लास्ट वीडियो में बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत क्यों है। पहला हमने पॉइंट लिया था रिक्वायरमेंट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और दूसरी हमने बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन हैं, और तीसरी हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेट लायबिलिटी की। एसेट लायबिलिटी में सिर्फ हेड्स की हमने बात की थी। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरा बैलेंस शीट का पार्ट वन नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पार्ट वन देख लें। मैंने इसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि पार्ट वन देखने के साथ अगर आप पार्ट टू देखेंगे तो आपको दोनों पार्ट ठीक से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दोस्तों, हम एसेट लायबिलिटी की जब बात करते हैं तो देखिए, मैंने लायबिलिटी साइड में आपको तीन हेड दिए हैं। पहला है नेटवर्थ या इक्विटी, दूसरा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या टर्म लायबिलिटी जिनको बोलते हैं, और तीसरा है हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ऐसे ही एसेट साइड में हमारे चार हेड होते हैं। पहला हेड है हमारा फिक्स्ड एसेट, दूसरा हेड है हमारा नॉन करंट एसेट, थर्ड हेड आता है हमारा इंटेंजिबल एसेट, और फोर्थ हेड है हमारा करंट एसेट। अब हम एक एक हेड को लेकर डिटेल में चर्चा करेंगे और बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कैसे क्लासिफिकेशन करना है, जब हम रेशियो एनालिसिस करेंगे तो किस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये हम सब चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए, यहां मैंने सिर्फ आपको लायबिलिटी साइड में लेके चल रहा हूं। वन सेकेंड, लायबिलिटी साइड पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, लायबिलिटी का हमारा पहला हेड आता है नेटवर्थ और इक्विटी। नेटवर्थ और इक्विटी में देखिए, अगर आप प्रोपराइटर की बैलेंस शीट ले रहे हैं तो कैपिटल को प्रोपराइटर कैपिटल, पार्टनर की बैलेंस शीट ले रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल, और अगर कंपनी की बैलेंस शीट ले रहे हैं तो इसी कैपिटल को हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में आप कभी भी ध्यान रखें, दो टर्म यूज करते हैं हम। वन इज ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, और दूसरी है हमारी पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने परमिट की है, मैक्सिमम कैपिटल दैट ए कंपनी कैन रेज। तो ये मैक्सिमम कैपिटल है, दिस इज ए ऑफ बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट में इसका कहीं भी जिक्र नहीं आता। ऑथराइज कैपिटल में से जितनी कैपिटल कंपनी ने रेज कर ली, समझिए मुझे परमिशन दी कंपनी ने 10 करोड़ की कैपिटल की, मेरी ये कंपनी है जिसमें 10 करोड़ की मेरी ऑथराइज कैपिटल है, और मैंने डिसाइड किया अपना बिजनेस शुरू करने का 2 करोड़ रुपीज से, तो 2 करोड़ रुपया मैंने शेयर्स इशू करके ले लिया, तो मेरी पेड अप कैपिटल हो गई 2 करोड़ रुपए। तो बैलेंस शीट में जो आइटम आएगा कैपिटल हेड में, दैट विल बी 2 करोड़ ओनली। ठीक है, तो आपका ऑथराइज कैपिटल ऑफ बैलेंस शीट आइटम है और पेड अप कैपिटल बैलेंस शीट आइटम है। प्रोपराइटर कैपिटल अगर प्रोपराइटर की बात कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अगर पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, और कंपनी की अगर आप बात कर रहे हैं तो पेड अप कैपिटल हमारा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे आइटम पे। दूसरा आइटम है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए, रिजर्व अलग आइटम है और सरप्लस अलग आइटम है। पहले हम रिजर्व को समझ लेते हैं। रिजर्व कहां से जनरेट होता है? रिजर्व जनरेट होता है आपका प्रॉफिट से। जब आप प्रोपराइटर की फर्म की बात करते हैं तो प्रोपराइटर कैपिटल में हम क्या करते हैं, माना प्रोपराइटर की कैपिटल है 10 लाख रुपए और कंपनी ने साल में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं 12 लाख रुपए, माना इसमें से 1 लाख रुपए का इसने साल भर में विड्रॉ किया, तो नेक्स्ट ईयर इसकी कैपिटल हो जाएगी 11 लाख रुपए। सिंपल है, प्रोपराइटर और पार्टनरशिप की फर्म जो होती है उसमें कैपिटल का ट्रीटमेंट इस तरह से होता है, परंतु कंपनी के अकाउंट में ट्रीटमेंट इस तरह से नहीं होता। वहां जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसको हम डालेंगे रिजर्व में। ठीक है, अब देखिए, अब रिजर्व को हम क्लासिफाई करते हैं। ये हमारा रिजर्व है। रिजर्व के हमारे 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला है हमारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कौन सा है? जनरल रिजर्व में प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म और जिसको विड्रॉ नहीं किया जाता, प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म बट नॉट विड्रॉन विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। दूसरा रिजर्व है हमारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, देखिए कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व एक तो आता है आपका शेयर प्रीमियम से, यानी कि कंपनी है जिसका 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है और माना उसने 5 रुपए प्रीमियम लिया जब शेयर इश्यू किए, तो 5 रुपए के हिसाब से जो पैसा उसको जनरेट होगा वो जाएगा उसका कैपिटल रिजर्व में। इसके अलावा कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है कैपिटल प्रॉफिट से, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं, कैपिटल प्रॉफिट से। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई भी एसेट अगर कंपनी ने सेल की उससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया और उससे कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ तो आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जनरल रिजर्व में नहीं जाएगा।
अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं कैपिटल रिजर्व का? कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल होगा, कैपिटल लॉसेस होते हैं कई बार, हमने कोई फिक्स्ड एसेट सेल की उसमें लॉस हुआ, तो उसको लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आपका कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल होता है, ठीक है। और तीसरा आइटम है हमारा रिजर्व में, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए रिजर्व में मैंने बात की आपसे जनरल रिजर्व, दूसरा बात की मैंने कैपिटल रिजर्व, और तीसरा है आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? कई बार क्या होता है, कंपनी की फिक्स्ड एसेट की वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से इंक्रीज हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है उसकी फिक्स्ड एसेट की रिवैल्यूएशन कराती है। अब रिवैल्यूएशन आप समझिए, कंपनी ने एक एसेट खरीदी 1 करोड़ रुपए की और इसकी कीमत बढ़के 6 करोड़ रुपए हो गई, तो 5 करोड़ रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका क्रिएट हो गया। परंतु रिवैल्यूएशन रिजर्व का अपना सिस्टम है, आप 100% इसको बैलेंस शीट में नहीं ले सकते। बासल 3 के नॉर्म्स हमारे कहते हैं, बासल 3 नॉर्म्स क्या कहते हैं कि आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व को 55% डिस्काउंट पे लेना होगा, यानी केवल 45% आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपने 100 रुपए अगर क्रिएट किए तो आप 45 रुपए बैलेंस शीट में लेंगे और 55 रुपए को छोड़ देंगे। तो हमारा देखिए मैंने 3 आइटम पे चर्चा की है, पहला शेयर कैपिटल, प्रोप्राइटर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और चौथा है रिजर्व। रिजर्व के मैंने 3 पार्ट बताए आपको, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब आ जाते हैं हम सरप्लस पे। सरप्लस इज ए सेपरेट आइटम। सरप्लस ऐसा पैसा है जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन में आता है, जैसे कंपनी के पास एक मशीन है जो कंपनी ने 1 करोड़ रुपए में परचेज की, कंपनी को 10 साल इसको यूज करते हो गए और इसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू है 1 रुपए। अभी कंपनी ने इसको सेल करने का डिसाइड किया क्योंकि मशीन पुरानी हो गई है, और समझिए इससे 10 लाख रुपए कंपनी को सेल करने पे आया पैसा, तो ये 10 लाख रुपए जो जनरेट हुआ वो कंपनी का सरप्लस है, नॉट ए प्रॉफिट। ये रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, या ऐसे समझ लें आप, मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। कंपनी के पास समझिए 10 व्हीकल्स हैं, एक व्हीकल की कीमत है 5 लाख रुपए, तो 10 व्हीकल की कीमत हो गई 50 लाख रुपए। अभी व्हीकल फिक्स्ड एसेट में आता है, इस पर डेप्रिसिएशन लगता है, माना इनकी वैल्यू घटते घटते अभी 5 लाख रुपए रह गई। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि ये व्हीकल्स हम रिप्लेस कर देते हैं नए व्हीकल से, तो पुराने व्हीकल को बेचेंगे और ये पुराने व्हीकल जिनकी बुक वैल्यू 5 लाख रुपए, डेप्रिशिएटेड वैल्यू 5 लाख रुपए है, माना इनकी सेल प्राइस आई 8 लाख रुपए, तो यहां से 3 लाख रुपए जनरेट हुआ। 3 लाख रुपए आपका रिजर्व में नहीं जाएगा, 3 लाख रुपए आपका सरप्लस में जाएगा। तो मैं समझ रहा हूं कि रिजर्व और सरप्लस को मैंने ठीक से आपको क्लेरिफाई कर दिया है। तो हमने नेटवर्थ में आइटम में बात की कौन सी, प्रोप्राइटर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, और इसके अलावा हमने बात की रिजर्व और सरप्लस की। ये आइटम हमारा नेटवर्थ या इक्विटी में आता है। नेटवर्थ और इक्विटी में एक और आइटम आता है जिसको हम बोलते हैं क्वेसी कैपिटल, QUASI, क्वेसी कैपिटल। क्वेसी कैपिटल की मैं बात करूंगा जब मैं आपसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पर बात करूंगा, ओके। अब आ जाते हैं अगले आइटम पे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटीज में 2 आइटम रह गए आपका, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी कि ऐसी लाइबिलिटी जिसका लेस देन 12 मंथ में आपको पेमेंट करना होता है, आपको यानी फर्म को पेमेंट करना होता है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी है जिसका मोर देन 12 मंथ में पेमेंट करना होता है, ठीक है। अब हम पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कौन से आइटम आएंगे, देखिए फर्म ने समझिए बैंक से टर्म लोन लिया है, तो टर्म लोन लंबे समय के लिए लिया है, 12 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म लोन है। समझिए कंपनी ने 10 लाख रुपए का टर्म लोन लिया है 5 साल के लिए, तो ये आपका टर्म लाइबिलिटी में जाएगा। इसके अलावा कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू भी पैसा उठाती है, कंपनियां बॉन्ड्स के थ्रू भी पैसा उठाती हैं, कंपनियां फिक्स्ड डिपॉजिट के थ्रू भी पैसा उठाती हैं। ये सभी लॉन्ग टर्म के आइटम हैं जिनका लॉन्ग टर्म में पेमेंट करना होता है, कोई दूसरी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो सकती है, तो ये सब आपकी टर्म लाइबिलिटी में आएंगे जिनका 12 महीने के बाद आपको पेमेंट करना होता है। इसके अलावा एक लाइबिलिटी है इसमें डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। देखिए टर्म लोन में आप एक चीज और देख लीजिए, बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से माना 10 लाख रुपए का टर्म लोन फर्म ने लिया 5 साल के लिए, तो इसका हर साल कंपनी को 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है क्योंकि 5 साल का लोन है। अब देखिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में वो लाइबिलिटी आती है जिसका 12 महीने के अंदर पेमेंट करना होता है, तो 2 लाख रुपए का पेमेंट 12 महीने के अंदर करना है, आइदर मंथली इंस्टॉलमेंट में या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में, तो 2 लाख रुपए तो आपको बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां क्लासिफाई करने पड़ेंगे करंट लाइबिलिटी में, और 8 लाख रुपए आपके टर्म लाइबिलिटी में जाएंगे। जब आप रेशियो एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 2 लाख रुपए इसमें से,
माना यही लोन आपका 10 लाख की जगह, मैं ऐसा कहता हूँ टर्म लोन है आपका 1 करोड़ रुपए का या 10 करोड़ रुपए का, और ये टर्म लोन आपका पेबल है 10 ईयर्स में, तो हर साल आपको 1 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है। तो एक साल के अंदर का जो पेमेंट है वो तो आ जाएगा आपका 1 करोड़ रुपए, तो आप लेंगे करंट लायबिलिटी में, और 9 करोड़ रुपीस आप लेंगे टर्म लायबिलिटी में। ये बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जब रेशियो एनालिसिस करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा। तो टर्म लोन को हमेशा बाइफरकेट करके चलें, ठीक है। डिवेंचर आपका टर्म लायबिलिटी रहेगा लॉन्ग टर्म में, बॉन्ड टर्म लायबिलिटी रहेगा। डेफर टैक्स लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है? ऐसी लायबिलिटी जिसको डेफर कर दिया, जैसे कई बार टैक्स की लायबिलिटी को डेफर कर देते हैं, अगले 5 साल में पेमेंट करना है आपको, तो चूंकि लॉन्ग टर्म का आइटम हो गया तो डेफर टैक्स लायबिलिटी आपकी टर्म लायबिलिटी में आएगी। फिक्स्ड डिपॉजिट कंपनियां लेती हैं लॉन्ग टर्म के लिए लेती हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म के पर्पज से ली गई है। अब आइटम आता है आपका एक अनसिक्योर्ड लोन, जिसको हम यूएसएलवी बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। अनसिक्योर्ड लोन में सबसे पहले तो ये देखना है कि अनसिक्योर्ड लोन इंटरेस्ट बियरिंग है या नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है। अगर इंटरेस्ट बियरिंग है तो आप प्रॉफिट लॉस में चेक करें कि इसका इंटरेस्ट टाइम से पेमेंट हो रहा है या नहीं, कितना इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है तो कोई बात नहीं है। अब देखिए अनसिक्योर्ड लोन में भी, अभी मैंने जब मैं नेटवर्थ की बात कर रहा था तो मैंने एक वर्ड यूज किया था क्वेसी कैपिटल, QUASI क्वेसी कैपिटल। कई बार हम अनसिक्योर्ड लोन को क्वेसी कैपिटल में भी कंसीडर करते हैं। अनसिक्योर्ड लोन पे जब हम बैलेंस शीट में अनसिक्योर्ड लोन का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बोरोअर जो भी है, जो प्रपोज्ड बोरोअर है या एग्जिस्टिंग बोरोअर है, उससे एक अंडरटेकिंग लेते हैं। अंडरटेकिंग लेते हैं बोरोअर से, क्या अंडरटेकिंग लेते हैं? बोरोअर राइट्स टू द बैंक दैट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ लोन आई विल नॉट रीपे दिस अनसिक्योर्ड लोन। यानी कि जब तक आपका लोन चल रहा है तब तक मैं अनसिक्योर्ड लोन का रीपेमेंट नहीं करूंगा। ये बोरोअर ने अंडरटेकिंग दिए तो उस केस में हम इसको टर्म लायबिलिटी में कंसीडर करेंगे। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि अनसिक्योर्ड लोन जिससे भी लिया है, समझिए जो डायरेक्टर है कंपनी का, उसकी वाइफ से उसने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, तो ये तो उसका अपना पैसा है। इस केस में कई बार क्या होता है, हम अनसिक्योर्ड लोन होल्डर जिसने अनसिक्योर्ड लोन दिया है, समझिए ये डायरेक्टर की वाइफ से लोन लिया है इसने, तो डायरेक्टर की वाइफ राइटिंग में देती है कि जब तक आपका लोन चल रहा है ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ बैंक लोन आई विल नॉट आस्क द कंपनी टू रीपे माई लोन। यानी कि इस केस में जब अनसिक्योर्ड लोन होल्डर ने राइटिंग में आपको अंडरटेकिंग दे दी कि जब तक आपका लोन चल रहा है तब तक मैं कंपनी से पैसा नहीं मांगूंगी, ऐसे केस में आपको एक तरह से ये परमानेंट कैपिटल मिल गई फर्म को, कंपनी को। परंतु ये 2M दर्जे की कैपिटल है, सेकेंडरी कैपिटल है, ये फुल फ्लेज कैपिटल नहीं है, इसलिए इसको क्वेसी कैपिटल कहते हैं। अब देखिए जब आप रेशियो एनालिसिस करेंगे तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब अनसिक्योर्ड लोन होल्डर ने आपको राइटिंग में दे दिया कि मैं ये पैसा जब तक आपका लोन चल रहा है तब तक आपसे नहीं मांगूंगा, उस केस में रेशियो एनालिसिस के लिए आप इसको कैपिटल का पार्ट बना सकते हैं। आप इसको टर्म लोन से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, कहाँ पे? इक्विटी में। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में टर्म लोन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। टर्म लोन में से कुछ पार्ट आपको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में डालना पड़ेगा, ऐसे ही अनसिक्योर्ड लोन का कैसे करते हैं। अनसिक्योर्ड लोन अगर बोरोअर ने आपको राइटिंग में दिया है कि मैं इसका रिपेमेंट नहीं करूंगा तो ये टर्म लायबिलिटी ही रहेगा, और अगर अनसिक्योर्ड लोन होल्डर ने आपको राइटिंग में दिया है कि जब तक आपका लोन चल रहा है तब तक मैं इसकी डिमांड नहीं करूंगा, उस केस में हम इसको क्वेसी कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे आपके रेशियो एनालिसिस में फर्क आ जाएगा, ठीक है। अब आप तीसरे आइटम पे आते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब देखिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आपकी ऐसी लायबिलिटी है जिसका लेस देन 12 मंथ आपको पेमेंट करना होता है, जैसे बैंक की ODCC लिमिट। पहला आइटम बैंक की ODCC लिमिट, आप ODCC लिमिट देते हैं तो उसको 12 महीने के अंदर या तो उसको रीपे करना होता है या उसको रिन्यू कराना होता है, ठीक है। दूसरा आइटम है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी ट्रेड क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल, जो उधार उसने पैसा लिया है, जो उधार माल खरीदा है। ट्रेड क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यानी उसमें बिल बना दिया फर्म ने और उसको पेमेंट करना है, तो ये पैसा भी उसको 12 महीने के अंदर पेमेंट करना होता है, क्योंकि परमानेंट तो कोई पैसा देता नहीं है, 12 महीने का टाइम काफ़ी लंबा होता है, तो कोई भी उधारी अगर फर्म ने ली है तो उसका 12 महीने के अंदर उसको पेमेंट करना होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आएगी। तीसरा आइटम है आपका शॉर्ट टर्म लोन, कोई भी लोन शॉर्ट टर्म यानी 12 महीने के अंदर का लोन है तो भी आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आएगा। इसके अलावा प्रोविजंस, देखिए अगर आपने कोई भी प्रोविजंस किए हैं तो प्रोविजंस हम करंट ईयर के लिए करते हैं, करंट ईयर यानी लेस देन 12 मंथ, तो प्रोविजंस आपके इसमें आएंगे।
अगर कस्टमर से कोई एडवांस लिया है वो भी शॉर्ट टर्म का एडवांस है तो वो भी आपका करंट लायबिलिटी में आएगा। इसके अलावा कोई भी खर्चे जो पेएबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिनको बोलते हैं, ये एक्सपेंसेस पेएबल, वो भी आपको 12 महीने के अंदर पेमेंट करने हैं। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड, कई बार कंपनियां डिविडेंड के लिए प्रोविजन करके रखती हैं, प्रपोज डिविडेंड के इतना डिविडेंड हमको आगे देना है, उसके लिए भी जो पैसा हम रखेंगे वो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आएगा। तो मैंने आपसे लायबिलिटी के तीन हेड डिस्कस किए हैं, पहला नेटवर्थ और इक्विटी, दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और तीसरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो में, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो आज की तारीख में लायबिलिटी नहीं है पर फ्यूचर में लायबिलिटी क्रिएट कर सकती है। जैसे बिल एंडोर्स, फर्म ने किसी दूसरे कस्टमर के बिहाफ पे कोई बिल एंडोर्स किया हुआ है, कोई गारंटी दी हुई है, एलसी या बीजी इशू कराई है, या कोई सूट फाइल केस चल रहा है जो स्टिल पेंडिंग है कोर्ट में, जो कभी भी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसी लायबिलिटी हम कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट में आपको नहीं दिखेगा, परंतु बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे तो कस्टमर से पूछेंगे कि उसके ऊपर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे लायबिलिटी के बारे में पूरी चर्चा कर ली है, अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसका, एसेट साइड। एसेट साइड के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, यहां मैंने आपको एसेट के बारे में बताया है। एसेट साइड में हम आ जाते हैं, पहला है हमारा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फिक्स्चर्स, ये सभी आपके फिक्स्ड एसेट में आते हैं। देखिए, फिक्स्ड एसेट वो एसेट है, किसी भी एसेट का यूज क्या है इससे डिसाइड होता है कि वो फिक्स्ड एसेट है या करंट एसेट है। अगर उसका यूज बार बार हो रहा है, टू बी यूज रिपीटेडली, इट डिटरमाइंस वेदर इट इज ए फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। अगर बार बार यूज के लिए फर्म काम में ले रही है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग बार बार यूज करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी रोजाना यूज होती है, इक्विपमेंट रोजाना यूज होते हैं, फिक्स्चर्स रोजाना यूज होते हैं, तो वो फिक्स्ड एसेट कहलाएगी। परंतु अगर समझिए फर्म ने मशीनरी खरीदी और फर्म को फर्दर सेल करनी है मशीनरी, तो ऐसे केस में ये मशीनरी करंट एसेट हो जाएगी। इक्विपमेंट या व्हीकल्स, एक फर्म है, एक डीलर है जो कार सेल करता है, उसने 50 कारें खरीदी फर्दर सेल करने के लिए, तो उस केस में कार उसके लिए करंट एसेट हो जाएगी, उसकी इन्वेंट्री हो गई, ना कि फिक्स्ड एसेट। ऐसे ही बिल्डर के केस में क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग उसने जो खरीदी, तो लैंड का क्या किया, उसने प्रॉपर्टी डेवलपर है, उसने लैंड खरीदी, अब उस पर बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग बनाने के बाद में ये उसका इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि करंट एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका फिक्स्ड एसेट का यूज डिसाइड करता है कि वो फिक्स्ड एसेट है या करंट एसेट है। जैसे मैंने आपको बताया, एक कार डीलर है, उसके लिए कार करंट एसेट है, जबकि एक कंपनी के लिए जो दूसरा कोई काम करती है, कार का काम नहीं करती है, उसके लिए कार फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए फिक्स्ड एसेट आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। हर एक फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन के रेट डिसाइड किए हुए हैं। डेप्रिसिएशन के हमारे दो तरीके हैं, पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, सिंपल है, माना आपने 100 रुपये की कोई एसेट खरीदी और 10% आपका डेप्रिसिएशन लगना है, तो हर साल आपको 10 रुपये कम करने हैं, 90 रह गए, यहाँ से 10 कम किए तो 80 रह गए, ये घटते घटते आपका निल हो जाएगा, यानी जीरो वैल्यू हो जाएगी। परंतु रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू में आपने माना 100 रुपये की एसेट खरीदी, 10% लगा तो 90 रुपये की रह गई, अब आपका 90 रुपये पे 9 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 81 रह गया, 81 पे आप लगाएंगे 8 रुपये 10 पैसे, तो उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी और लास्ट में 1 रुपये वैल्यू बच जाएगी, फर्क कोई नहीं पड़ता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका वैल्यू लास्ट में जीरो हो जाएगी और रिटन डाउन वैल्यू जो मेथड है उसमें वैल्यू 1 रुपये रह जाएगी। बींग ए बैंकर, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमको ये देखना होता है कि उसने एक ही सिस्टम बैलेंस शीट में लगाया। अगर आप 4 साल की बैलेंस शीट का एनालिसिस कर रहे हैं तो ये देख लें कि उसने एक ही सिस्टम स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन लगाया, रिटन डाउन से, बस उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। आगे चलते हैं हम अगले आइटम पर, नॉन करंट एसेट। देखिए, नॉन करंट एसेट की चर्चा करने के टाइम में हमको करंट एसेट के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। करंट एसेट पे, अब देखिए करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में क्या फ़र्क है। करंट एसेट वो एसेट है जिसका लेस देन 12 मंथ में हम कैश में जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन करंट एसेट वो एसेट है जिसको 12 महीने से ज़्यादा लगेगा कैश में कन्वर्ट करने में। अब देखिए, कैश में पहले करंट एसेट की बात कर लेते हैं हम, कैश में कन्वर्ट कैसे करेंगे करंट एसेट को। करंट एसेट में कौन कौन से आइटम आते हैं, आपका कैश,
आपका बैंक बैलेंस, ये तो कैश ही है एक तरह से। इसके अलावा अगर बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है वो भी आपका करंट एसेट में आएगा। स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंट्री भी बोलते हैं हम। दोस्तों स्टॉक और इन्वेंट्री में भी फर्क समझ लें। स्टॉक जब हम ट्रेडर को कोई लोन देंगे तो वो स्टॉक कहलाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर लोन देंगे तो वो इन्वेंट्री कहलाएगा, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो अलग अलग स्टेज से गुजर के इन्वेंट्री तक पहुंचता है। तो जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे तो इन्वेंट्री वर्ड यूज करेंगे और ट्रेडर की बात करेंगे, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल भी आ गया, फिनिश गुड्स भी आ गया, स्टोर इन स्पेयर सभी आपका इसमें आ जाता है, स्टॉक में और इन्वेंट्री में। इसके अलावा डेटर्स, ट्रेड डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स या ट्रेड डेटर्स, या इसको बिल्स रिसीवेबल भी हम बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी ने माल बेचा है और उसने बिल बना दिया उसका, तो बिल उसको रिसीव होना है, इसलिए उसको बिल रिसीवेबल भी बोलते हैं। अभी किसी ने अगर उधारी पे माल बेचा है तो उधारी का पैसा उसको 12 महीने के अंदर आना है, 12 महीने से ज़्यादा के लिए कोई भी डेटर जनरेट नहीं करता है, इसलिए डेटर्स आपके आएंगे करंट एसेट में। इसके अलावा देखिए आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि पहले से, जैसे टैक्स कई बार कंपनियां पहले से पे कर देती हैं, तो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसी में आएगा करंट एसेट में। या एडवांस टैक्स पे कर दिया, या तो पहले से प्रीपेड कर दिया, पहले से पे कर दिया, या एडवांस टैक्स पे कर दिया। इसके अलावा एडवांस गिवन टू सप्लायर, सप्लायर्स को अगर कोई पैसा दिया है तो वो भी शॉर्ट टर्म के लिए दिया है, तो वो भी आपकी करंट एसेट में आएगा, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करने के लिए। देखिए करंट एसेट आपकी वो एसेट है विच कीप ऑन रोटेटिंग, जो अपनी शेप चेंज करती रहती है, कन्वर्टिंग देयर शेप टाइम टू टाइम। करंट एसेट बेसिकली फर्म के लिए वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। तो करंट एसेट क्या है, वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म, ये टाइम टू टाइम शेप चेंज करती रहती है, कैश से रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल से इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री से डेटर्स में, डेटर से फिर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसकी शेप चेंज होती रहती है। अब देखिए कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो एसेट तो है परंतु उसको 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने किसी फर्म में पैसा लगा दिया लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका करंट एसेट नहीं है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट, समझिए आप फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं, आपने लीज लाइन के लिए पैसा जमा किया 2 लाख रुपए, तो जब फैक्ट्री को वाइंड अप करेंगे तभी ये पैसा मिलने वाला है। या आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1 लाख रुपए जमा किया, तो ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, आपको इमीडिएट नहीं मिलेगा। इसके अलावा सब्सिडरीज में, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज या अदर फर्म भी अगर पैसा लगाया है तो वो भी आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि किसी भी फर्म में अगर पैसा लगाया है तो जाहिर सी बात है कि उसका इमीडिएट पेमेंट आपको नहीं मिलना है। अब देखिए बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में दो चीज़ें आपको देखनी है विशेष रूप से। क्या देखना है, एक तो है हमारा बुक डेट। आप देखते हैं बैंक में जब हम फाइनेंस करते हैं तो 3 महीने का बुक डेट हम फाइनेंस करते हैं, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट बुक डेट्स वी कंसिडर इट अप टू 5 मंथ्स। इसका मतलब 3 महीने से ज़्यादा के जो बुक डेट हैं उसका पैसा आने का चांस कम हो जाता है, या गवर्नमेंट के केस में 5 महीने से ज़्यादा के बुक डेट हैं तो पैसा आने का चांस कम हो जाता है। हम 12 महीने तक का बुक डेट करंट एसेट में कंसिडर करते हैं, परंतु जब आप बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे तो 6 महीने से ऊपर का जो भी बुक डेट है, देखिए बुक डेट की पोजीशन हम एज वाइज क्लासिफिकेशन मांगते हैं, जब हम बुक डेट की बात करते हैं तो पार्टी को बोलते हैं एज वाइज क्लासिफिकेशन करके लाइए, इसका सीए सर्टिफाइड करा के लाइए, तो वो बताएगा इसमें कि 3 महीने के कितने बुक डेट हैं, 6 महीने के अंदर के कितने हैं और 12 महीने के अंदर के। 6 महीने तक के तो बुक डेट आप करंट एसेट में कन्वर्ट करेंगे, और 6 महीने से ऊपर का जो बुक डेट है उसको हम डिस्प्यूटेड बुक डेट में, मोर देन 6 मंथ्स का अगर बुक डेट है जब हम रेशियो एनालिसिस करेंगे तो हम 6 महीने से ऊपर का बुक डेट इधर शिफ्ट कर देंगे नॉन करंट एसेट में, तो उससे उसका करंट रेशियो में चेंज आएगा। बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि 6 महीने तक जिस बुक डेट को हम को फर्म रिकवर नहीं कर पाई है उसके रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए रेशियो एनालिसिस के लिए हम उसको नॉन करंट एसेट में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे ही स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री। देखिए कई बार जब आप किसी भी फर्म का स्टॉक इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो कुछ स्टॉक ऐसा होता है जो मूवेबल नहीं है, मूव नहीं हो रहा है, यानी कि पिछले 6 महीने से, 8 महीने से, 10 महीने से फैक्ट्री के
गोडाउन में पड़ा हुआ है, यानी कि उसका कोई बायर नहीं है। स्टॉक तो है परंतु उसका कोई बायर नहीं है, तो ऐसे स्टॉक को हम ऑब्सोलीट स्टॉक बोलते हैं। आप देख लें स्टॉक कितना पुराना है। जैसे कई बार क्या होता है, फैशन से रिलेटेड जो फर्में चलती हैं, जैसे टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे लेडीज गारमेंट्स, सूट्स वगैरह जो फर्म बनाती हैं, वो फैशन के हिसाब से चलता है। 6 महीने में 3 महीने में इनका फैशन चेंज होता रहता है। तो उन्होंने माल बना लिया परंतु फैशन चेंज हो गया, इस दौरान फैशन चेंज हो गया और उस माल की कीमत उतनी नहीं है जितनी उन्होंने मानी है। माना एक सूट उन्होंने बनाया जिसकी कीमत उन्होंने 600 रुपये ली है, तो जितना माल 600 रुपये में बिक गया वो तो बिक गया, अब माल पड़ा रह गया, अब उसका फैशन चूंकि चला गया है तो हो सकता है ये सेल में आपको 300 में 400 रुपये में बेचना पड़े। तो ऐसे स्टॉक को हम ऑब्सोलीट स्टॉक करके या ओल्ड स्टॉक करके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, जो स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम से गोडाउन में पड़ा हुआ है और जिसका बायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको करंट एसेट से शिफ्ट करके उसको ले जाएंगे नॉन करंट एसेट में। जब हम रेशियो एनालिसिस करेंगे, बैलेंस शीट में उसको वहीं रहने देंगे परंतु रेशियो एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का जो क्लासिफिकेशन है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं अगले आइटम पे आता हूँ, दैट इज इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट क्या है? इनटेंजिबल एसेट वो एसेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया है पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, रेपुटेशन है। रेपुटेशन का आप अंदाजी लगा सकते हो, बाकी रेपुटेशन क्या है वो तो आपको पता नहीं चलेगा। ट्रेडमार्क है या गुडविल है, ये सब चीज़ें आपके इंटेंजिबल एसेट में आती हैं। इंटेंजिबल एसेट विच नीड टू बी रिटन ऑफ इन फ्यूचर प्रॉफिट। देखिए जो हमको प्रॉफिट आते जाएंगे उसमें से इसको राइट ऑफ करना होता है। इंटेंजिबल एसेट को धीरे धीरे जब जब प्रॉफिट आते जाते हैं उसमें से राइट ऑफ करते जाएंगे। ठीक है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इसको धीरे धीरे हम राइट ऑफ करते जाते हैं। इसके बाद है एक आइटम एक्युमुलेटेड लॉसेस या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी कि लॉस। देखिए जब प्रॉफिट आएगा तो आप क्या करते हैं, उसको लायबिलिटी साइड में शिफ्ट कर देते हैं, रिजर्व में डाल देते हैं, और प्रोप्राइटर पार्टनर का है तो उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। परंतु लॉस आएगा तो आप क्या करेंगे, लॉस आएगा तो आप इसको इंटेंजिबल एसेट में डालेंगे। इसको मिसलेनियस एसेट भी कई बार बोलते हैं। बेसिकली लॉस एसेट नहीं है परंतु लॉस को फ्यूचर प्रॉफिट में से हमको राइट ऑफ करना होता है, इसलिए इसको लॉस को बैलेंस शीट को टैली करने के लिए हम इंटेंजिबल एसेट में डालते हैं। जब जब प्रॉफिट आते जाएंगे धीरे धीरे इस लॉसेस को हमको राइट ऑफ करना होगा। इसके अलावा दो आइटम और हैं इसमें, एक है आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और एक है आपका प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। देखिए दोनों अलग अलग आइटम है, पहले आप समझ लें। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस तो जैसा नाम से है ऑपरेशन से पहले के एक्सपेंसेस, यानी कि आपने एक फर्म एस्टेब्लिश की, उसमें ऑपरेशन से पहले माना आपने मशीनरी इंस्टॉल की, तो मशीनरी में समझिए मशीनरी का जो पैसा है वो तो आपका फिक्स्ड एसेट हो गया, परंतु उसको इंस्टॉल करने में लेबर का पैसा, दूसरा पैसा लगेगा, वो पैसा कहाँ से जाएगा, वह प्रीलिमरी एक्सपेंसेस। ये भी फ्यूचर प्रॉफिट में से राइट ऑफ होना है। इसके अलावा एक दूसरा आइटम है, ये तो आइटम हो गया आपका प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, एक है आपका प्रीलिमरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमरी एक्सपेंसेस में क्या आते हैं, मार्केटिंग के खर्चे, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, ठीक है, जिसका फ्यूचर में लंबे समय में आपको फायदा मिलने वाला हो, ऐसे खर्चे आपके प्रीलिमरी एक्सपेंसेस में आएंगे। और प्री ऑपरेटिव में ऑपरेशन से पहले के खर्चे जो किसी भी तरह की एक्टिविटी में काम आ रहे हैं, और प्रीलिमरी एक्सपेंसेस में आएंगे आपके मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के खर्चे जो फ्यूचर में आपको फायदा देंगे। तो ये आइटम दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस किया, पहला फिक्स्ड एसेट, दूसरा नॉन करंट एसेट, तीसरा इंटेंजिबल एसेट और चौथा करंट एसेट। लायबिलिटी साइड में मैंने आपसे 3 आइटम डिस्कस किए, नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एसेट लायबिलिटी के बारे में जितनी जानकारी मैं देना चाहता था मैंने दे दी है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर स्पेंडिंग टाइम टू वॉच दिस वीडियो। अगर आप मेरे वीडियो के कंटेंट को लाइक करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में। मैंने आपको बताया मैंने इसका पार्ट वन बनाया था, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले पार्ट वन देखें और फिर ये एसेट लायबिलिटी का पार्ट देखें ताकि आपको पूरी बैलेंस शीट का क्लेरिफिकेशन हो जाए। अगले वीडियो में हम
रेशियो एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, और उससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।